पुलिस स्टेशन भवारना के अंतर्गत ग्राम पंचायत गदियाड़ा की रहने वाली 50 वर्षीय महिला की देर रात संदिग्ध हालत में घर से 1.5 किलोमीटर दूर लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक कुसुम नाम की महिला घर से पालमपुर के लिए निकली थी। जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की और पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। जब पुलिस और परिजनों ने तलाश शुरू की तो देर रात महिला के घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के साथ लगती पुलिया के नीचे महिला का शव बरामद हुआ। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि महिला के शव को मारकर मुर्गियों के पंखों के नीचे दबाया गया था। इस बात की पुष्टि करते हुए एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि भरवाना पुलिस थाने के तहत हत्या के मामले में केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल देर शाम जो है एक सूचना जो है भवाना पुलिस स्टेशन में आई थी कि एक लेडी जो है उनकी सस्पिशियस हालत में डेड बॉडी जो है मिली है और उनका बेटा जो है और उनके हस्बैंड की तरफ से शिकायत हमें आई थी, जिसमें बल्ला जोल जो गांव है भवारना में उसके पास में वो डेड बॉडी सस्पिशियस कंडीशन में मिली थी और आसपास काफ़ी खून जो है वो बिखरा हुआ था। इसको देखते हुए जो है SHO भवारना की टीम जो है तुरंत स्पॉट पे गई और DSP वैजनाथ जो है मौके पे गए और इसमें सेक्शन 302 IPC में पुलिस स्टेशन भवारना में ये मुकदमा हमने दर्ज किया। आज सुबह जो है मौके की जो इंस्पेक्शन है वो RFSL की टीम द्वारा भी की गई है और कुछ सस्पेक्ट्स को पुलिस जो है अभी हम इसमें एसोसिएट कर रहे हैं और उनसे इंटरोगेट कर रहे हैं कि क्या ये घटना पूरी हुई है। तो फिलहाल अभी ये सस्पिशियस हालत में जो बॉडी मिली थी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बचा है और जैसे कि FSL ने अपना निरीक्षण भी कर लिया है तो वो भी अपना एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमें देंगे और इसके साथ ही जो पुलिस की अपनी टीम्स हैं वो टेक्निकल और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के एविडेंसेज है उसको हम अभी गैदर कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि जल्द पूरा मैटर जो है हम उसको एक्सपोज कर लेंगे और फर्दर इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। कोई लापता की रिपोर्ट भी भवारना थाना में दर्ज की गई थी? नहीं, भवारना थाना में कोई लापता की रिपोर्ट इस सिलसिले में तो नहीं थी। इसमें जो कंप्लेंट है बेसिकली ये है कि जो डिजीज्ड महिला है वो जिस समय पे जो लगभग घर आती थी वो घर पे प्रेजेंट नहीं थी तो उनका बेटा जो है वो उनको ढूंढने के लिए निकला और उसी सिलसिले में ये बॉडी जो है डिस्कवर हुई थी उनके घर से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाके एक सुनसान स्पॉट पे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अपने बयान में महिला के गले में काटने के निशान बताए। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी और फॉरेंसिक टीम द्वारा भी मौके पर सबूत एकत्रित किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पंजाब केसरी TV के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।